महाराष्ट्र राज्य के मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों और देखभाल करने वालों की सरकार के तरफ से दी जाने वाली तनख्वाह लॉकडाउन से बंद है। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से सरकार की तरफ से उन्हें वेतन दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार में सिर्फ 150 रजिस्टर्ड मस्जिदों को दिया जा रहा है, जबकि 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें महाराष्ट्र में है। इस मुद्दे पर जफर अली प्रदेश सचिव सपा, हाफिज इकबाल अहमद अंसारी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन महाराष्ट्र अध्यक्ष, वारिस अली राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सईद अहमद, वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवक नायब अंसारी, संपादक हिंदुस्तान टाइम्स अजीम राजे, इमाम एसोसिएशन अहमदनगर अजहर अनवर खान, सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मोहम्मद जाकिर, जिला सचिव अमरावती कारी मुस्तकीम अंसारी, सचिव इमाम एसोसिएशन मुंबई आदियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि इस मुद्दे को महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने रखकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मस्जिद के ट्रस्ट और मस्जिद के जिम्मेदारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द मस्जिदों को रजिस्टर्ड करवाए। इस चीज को पूरी ताकत से उठाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो इसका एजुकेशन किया जाएगा, आने वाले असेंबली में उठाया जाएगा इसको कि हमारा पैसा जो नाजायज खर्च हो रहा है, आप लोग इसमें हरामखोरी लोग कर रहे हैं, चाहे अफसरान हो या हमारे ही कम्युनिटी के जो लोग चुनकर जाते हैं वक्फ बोर्ड में, उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, उसको रोक करके जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जहाँ इसकी बात है, मुस्लिम की बात है, इमाम की बात है, बेवा फातिमा की बात है, जो लापता होते हैं, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में उस पैसे को खर्च होना चाहिए, इसको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला करें। पुलगांव, यहाँ के एनिमेशन डिपो को आग लगने के बाद अमरावती अग्निशमन विभाग ने उस आग पर यशस्वी तौर पर काबू पा लिया, जिस पर महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन हक संगठना द्वारा उत्कृष्ट सेवा कार्य करने पर उनका सम्मान चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। विधायिका सुलभा खोड़के इनके द्वारा यह सम्मान किया गया। उस वक्त उपकेंद्र प्रमुख सैयद अकबर, प्रवीण राठौड़, मच्छिंद्र यादव, राजेंद्र लोनारे, गोकुल खुले, निखिल पाटिल आदि उपस्थित थे। शासन की ओर से कृषि पंप तथा बिजली बिल जोड़नी धोरण के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान 1 अप्रैल 2018 से पैसे भरकर बिजली लगवाने हेतु प्रलंबित ग्राहकों के प्रश्नों का निपटारा किया जाएगा, जिसके चलते आने वाले दिक्कतों से ग्राहकों को राहत मिलेगी। और साथ ही 2014 तक चलाए जा रहे धोरण के अनुसार जिन लोगों का बकाया है उन किसानों को 100% सहूलत देकर उनको छूट दी जाएगी आदि संदर्भ में एडवोकेट पालक मंत्री यशोमती ठाकर इन्होंने जानकारी दी। तो एमएसईबीचा आहे आणि आपण 250 ते 300 ट्रान्सफॉर्मर्स नवीन देऊ करतो आहे। याच्यामध्ये जे उन्हाळ्यामध्ये जे काही आपल्याला प्रॉब्लम्स होतात ते या ठिकाणी निकाली लागतील अशी अपेक्षा आहे। आणि एक नवीन संकल्पना आहे की ट्रान्सफॉर्मर्स ऑन व्हील, म्हणजे लोकांना ट्रान्सफॉर्मर्ससाठी किती भांडण करावं लागतं माहिती आहे, ते जळल्यानंतर केवढा त्रास होतो, मग ते व्हील्सवरच ठेवायचं की कुठं समजा ट्रान्सफॉर्मर जळलं तर ताबडतोबीनी त्या गाड्यांमध्ये दोन ट्रान्सफॉर्मर्स जर एक्स्ट्रा ठेवले तर त्याचं आपल्याला निराकरण करता येईल। विविध काम समय पर होना आवश्यक है। पूर्व नियोजन में कुछ बदलाव आवश्यक अगर होंगे तो आने वाले 14 फरवरी को निधि के लिए पूरा नियोजन सादर करना जरूरी है, जिसके बाद मिलने वाले निधि से सभी काम समय पर हो इसकी खबरदारी लेना जरूरी है। निधि खर्च होना भी जरूरी है। ऐसे दिशा निर्देश राज्य के महिला और बाल विकास मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिए। केंद्र शासन पुरस्कृत जल जीवन मिशन शासन ने इस योजना को मान्यता दी है। इस मिशन के माध्यम से राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को 2014 तक व्यक्तिगत नल देकर 55 लीटर पानी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन अंतर्गत अमरावती जिले के 1,588 गांव के लिए कुल 4,56,621 नल कनेक्शन देने का उद्देश्य शासन का है। यह सारी प्रक्रिया समय पर पूरी होना जरूरी है, ऐसे निर्देश भी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर इन्होंने दिए। इस योजना के माध्यम से जिले के प्रत्येक गांव को नियमित पानी उपलब्ध हो तथा उनको पानी की किल्लत ना हो, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। जिले में पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत एडवोकेट पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अगुवाई में की गई। इस वक्त जिलाधिकारी शैलेश नवाल
जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम, आरोग्य विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे। इस समय 5 साल के अंदर से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो का डोज पालक मंत्री तथा जिलाधिकारी शैलेश नवाल तथा विभिन्न मान्यवरों द्वारा दिया गया। सर्वजण सुखी समृद्ध आणि सुदृढ राहिलात पाहिजेत म्हणून तुम्ही पण स्वतःनी काही गोष्टी आपल्या अंगी बळणी आणल्याच पाहिजे। लहान मुलांचे टीके असो, गर्भवती मातांना जो काय आहार द्यायचा आहे त्याचा विषय असो, लहान मुलांना जो आहार द्यायचा आहे त्याचा विषय असो, आणि तुम्हाला माहिती आहे आता की 1000 दिवस एखादी महिला प्रेग्नंट व्हायच्या आधीचे 1000 दिवस जे आपण गिनतो किंवा त्याच्यानंतरचे जे पूर्ण टोटली 1000 दिवस आपण जे गिनतो ते अतिशय महत्त्वाचे असतात। त्यावेळेला जर आईनी आणि बालक आईची काळजी घेण्यात आली तर होणारी जे बालक असतं ते अतिशय सुदृढ या ठिकाणी होतं। शहर के जिला नियोजन भवन में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर इनके अध्यक्षता में नियोजन भवन में सभा संपन्न हुई, जिसमें चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही शासन की योजना का सभी नागरिकों को जल्द से जल्द लाभ मिले और पूरी तरह से योजनाएं पहुंचे आदि विषयों पर भी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस प्रेस वार्ता में जानकारी दी।